ब्यूटीफुल सोनिया हुसैन हमारे साथ हैं. कैसी हैं सोनिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सोनिया, दिस इज़ योर थर्ड फिल्म, थर्ड फीचर फिल्म, तो मतलब कि किस तरह से, क्या इस करेक्टर में आपको क्या लगा कि आपने ये चूज़ किया? मैंने कैरेक्टर क्यों चूज़ किया? फर्स्टली बीइंग एन एक्टर, मैं ये देखती हूँ किसी भी स्क्रिप्ट में आपके लिए कितना मार्जिन है परफॉर्म करने का. कंटेंट होना चाहिए एक एक्टर के लिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, फिर यू नो जब बड़े पर्दे पे फिल्म लगती है तो वो फिर एक आप ड्राई फिल्म नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रामास हमारे सारे इसी टॉपिक्स पे बन रहे हैं. बीट, मेरी गुड़िया, ऐसी तन्हाई, हम सारे वो ड्रामास हाईलाइट करते हैं जो रियलिटी बेस्ड होते हैं. बट यू नो सम हाउ जब व्यूअर पैसे खर्च करके सिनेमा में आता है तो वो एंटरटेन होने के लिए आता है सम हाउ. तो मैं ये कहूँगी कि मैंने, मुझे ये फिल्म चूज़ करने के लिए मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें इट हैज़ गॉट एवरीथिंग. इट हैज़ गॉट मसाला, इट हैज़ गॉट रोमांस, इट्स अ लव स्टोरी, इसमें गाने हैं, इसमें क्लब सॉन्ग्स हैं, तो यू नो वी कैन से इट्स अ कम्प्लीट फिल्म. तो और ऑब्वियसली सुहेल जावेद डायरेक्ट करें तो मैं क्यों ना करती. तो इसमें आपने कितने डांस किए हैं और कितने गाने गाए? फिल्म अभी प्रोडक्शन पे नहीं गई है, इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. से तो कुछ पता चला होगा ना कि ये गाना? आई थिंक आई हैव 3 सॉन्ग्स इन द फिल्म, तो जिसमें से एक प्रॉपर डांस नंबर है, एक ओवरलैप होगा जो स्टोरी पे होगा, और एक एक कपल सॉन्ग है, तो 3 सॉन्ग्स हैं. अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. अच्छा सोनिया, हमें लग रहा है थोड़ा सा ये लव ट्रायंगल सा कुछ है इसमें, तो आप इस ट्रायंगल में कहाँ फिट हो रही हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, लव ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं है इसमें. पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं. अब कौन किसके साथ है ये हम अभी रिवील नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि फैसल के साथ मैंने सिर्फ एक टेलीफिल्म की हुई है, तो इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई एम श्योर कि प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे होंगे. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फैसल के साथ काम करूँगी उनके ऑपोजिट, और या इट गोना बी फन. अच्छा सोनिया, हम ये हमेशा सवाल करते हैं जितने भी एक्टर्स हैं जो ड्रामा और फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं, तो विच मीडियम यू प्रेफर, आपको फिल्म में करनी है ज़्यादा मज़ा आता है या ड्रामा का अपना एक वो आपको लगता है? देखिए पर्सनली अगर पूछा जाए तो आई रियली इन्जॉय डूइंग ड्रामा. वाई? बिकॉज हमारे पास ड्रामा में राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं. फिल्म में समहाउ टू सम एक्सटेंट में मुझे ये लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. वो अभी भी थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि हम हॉलीवुड बनाएं, हम पैरेलल सिनेमा बनाएं, हम बॉलीवुड बनाएं, या हम आइटम नंबर्स बनाएं. दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड. आई थिंक फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो आपको यू नो इट शुड बी अ डायरेक्टर्स फिल्म. डायरेक्टर के विजन में जो है बस आप वो पोर्ट्रे करें, आप लगा दें सिनेमा में. ऑडियंस हर फिल्म की अलग होती है, एंटरटेनमेंट की ऑडियंस अलग होती है. बहुत सारे लोग हैं लाइक यू नो पर्सन लाइक मी, मैं परफ्यूम भी देखती हूँ फिल्म, मैं पिंक भी देखती हूँ, मैं इस तरह की फिल्म्स देखती हूँ. तो हर फिल्म की अलग ऑडियंस होती है. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर आपने फिल्म लगाई है तो सबको पसंद आए. एज़ फार एज़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एज़ फार एज़ आप बड़े श्योर हैं उस कॉन्टेंट को लेकर, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. ड्रामा का ये है कि हम लोग को पता है हमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, और राइटर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बड़े ट्यून हुए हुए. तो या आई पर्सनली लाइक डूइंग ड्रामाज, जैसे कि अभी मेरी गुड़िया है बहुत हिट गया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के हम टॉपिक्स करें एंटरटेनमेंट, या आपको एंटरटेनमेंट करने, एंटरटेन करने के लिए तो हम बैठे हैं. अच्छा सोनिया, आखिर में बताएं कि अभी आपने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो कोई अभी हमारे फिल्म के कोई डायरेक्टर्स हैं जो निकल के आ गए, तो किसी के पर्टिकुलर के साथ काम करने का होता है कि ये इसकी फिल्म में साइन हो जाऊँ? मैं साइन हो जाऊं या साइन मुझे वो डायरेक्टर कर ले, कोई खास पर्टिकुलर पाकिस्तान से बताएं? आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद सुहेल जावेद. सुहेल के साथ मैंने एक सीरियल किया है बहुत पहले एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. मैं हमेशा चाहती थी कि सुहेल, बिकॉज जो विजन और जो कॉन्सेप्ट सुहेल का है वो एक बड़ी स्क्रीन का डायरेक्टर है. वो सुहेल ड्रामा में कहीं फिट इन होते नहीं हैं, तो सुहेल और उनका म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा है. तो ड्रामा और फिल्म में आपको क्या चाहिए होता है? आपको यही चाहिए होता है कि अच्छी स्क्रीन हो, म्यूज़िक अच्छा हो, लोग यही देखने आते हैं. तो मैं शुरू से इंतज़ार में थी कि सुहेल फिल्म बनाए, एंड फॉर्चुनेटली ही अप्रोच मी फॉर सम कैरेक्टर, और मेरे लिए अच्छी बात कोई नहीं थी. तो या दिस वॉज यू नो वन ऑफ माई फैंटसीज, मैं सुहेल के साथ काम करूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Thank you.